गाइस, मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में एक बहुत ही अनोखी चीज मैं खरीद के लेके आ चुका हूँ। इसको बोलते हैं बायोनिक स्नेक और ये पानी के ऊपर भी तैर सकता है। यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे ना गाइस, ये बिल्कुल एक इलेक्ट्रिक ईल जैसा भी ये दिखाई देता है। आज इसकी मैं फाइट कराने वाला हूँ मोजोसॉरस के साथ, गोल्डन व्हेल शार्क के साथ, डबल साइडेड आरसी बोट के साथ और ब्लू व्हेल शार्क के साथ। तो चलो गाइस फटाफट से करते हैं इन सभी की अनबॉक्सिंग स्टार्ट। तो मेरे पास बहुत सारे स्नेक्स हैं जो कि जमीन पे चल सकते हैं। किंग कोबरा है, रैटल स्नेक है, आज इसको मैंने इसीलिए खरीदा है। गाइस देखते हैं ये पानी के ऊपर किस तरह से चल पाता है। इसके मेन फीचर्स आप देख सकते हो, इसके अंदर दो गियर सिस्टम मिलता है, फुल फंक्शन है, 2.4 गीगाहर्ट्ज का रिमोट है। चलो बिना वक्त वेस्ट किए फटाफट से करते हैं इसको अनबॉक्स। गाइस आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना। बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है। अगर आप ये बायोनिक स्नेक खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिखाई दे, वहां पर इसके वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। इसके अंदर ये एक बैटरी इंस्टॉलेशन गाइड दी गई है और इसको आप यूजर गाइड भी बोल सकते हो। इसके अंदर दो छोटे छोटे प्रोपेलर्स भी दिए गए। इसको चलाने से पहले इसको मैं जरूर से एक बार पढ़ूंगा यार, क्योंकि इसको पानी में चलाना पड़ता है। तो फटाफट से रिमोट भी दिखा देता हूँ। रिमोट की क्वालिटी सच में यार काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। मेरे पास जितने भी जमीन पे चलने वाले स्नेक्स है उनके रिमोट आप लोगों ने देखे होंगे, बस इतने से रिमोट होते हैं और उनकी रेंज भी बहुत ज्यादा कम होती है। तो इसका रिमोट देखा बिल्कुल एक आरसी कार जैसा रिमोट दिया गया, ऊपर की तरफ दो ट्रिगर से, पर ये काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे इसके जॉयस्टिक है, यहाँ पे दो बटन्स दिए गए, शायद इसके डेमो के बटन है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी बैटरी, 500 mAh 3.7 वोल्ट की बैटरी है। ये है हमारा बायोनिक स्नेक। सबसे पहले मैं इसको जोड़ लेता हूँ यार, इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा मेरे को लग रहा है। देखो जस्ट यहाँ पे क्लिक करना होता है और ये इस तरह से जुड़ जाता है। इसको भी यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ। ये पानी में जब चलेगा ना गाइस, अगर कोई बंदा इसको देख लेना उसकी तो हालत खराब हो जाएगी। आप देखो गाइस इसका साइज कितना ज्यादा बड़ा हो चुका है। ऊपर इस तरह का एक शार्प डिजाइन देखने को मिलता है और ये पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है क्योंकि इसके अंदर बायोनिक सिस्टम दिया गया है। नीचे यहाँ पे इसका ऑन ऑफ स्विच, यहाँ पर दो प्रोपेलर्स देखने को मिल जाते हैं, पर ये प्रोपेलर्स बहुत ज्यादा छोटे हैं यार। यहाँ पे इसका बैटरी कंपार्टमेंट है और इसको पूरी तरीके से सील किया गया है ताकि इसके अंदर पानी वगैरह ना जा सके। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो यार बहुत ज्यादा बड़ा है, मेरा हाथ जितना बड़ा है यार। अभी अनबॉक्स करते हैं मोजोसॉरस को। एक्चुअल में ये भी एक डायनासोर की ही प्रजाति है। चलो फटाफट से इसको मैं अनबॉक्स करके बता देता हूँ। ये भी पानी के ऊपर बहुत तगड़े तरीके से तैर सकता है। बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे इसके अंदर भी देखो दो छोटे छोटे प्रोपेलर्स मिले हैं जैसे कि हमारे बायोनिक स्नेक के अंदर दिए गए थे। और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, और भी छोटे छोटे प्रोपेलर्स दिए गए और कुछ अलग चीजें दी गई है इसके अंदर। ये है इसका सामने का हेड। इसके अंदर एक सबसे खास चीज मैं आपको बताऊं तो ऊपर की तरफ प्रेस सिस्टम भी इसके अंदर दिया गया है और इसकी स्किन देखो यार कितनी ज्यादा खुरदुरी है। यहाँ पर इसके फिन्स वगैरह दिए गए, यहाँ पे इसकी मोटर्स है, यहाँ पे इसकी एक मोटर है, यहाँ से ये पानी नीचे की तरफ से खींच के ऊपर की तरफ प्रिंकल करने लगता है। यहाँ पे इसके आईज है, इसके टीथ देखो यार कितने ज्यादा शार्प नजर आ रहे हैं। इसको भी मैं आपको जोड़ के बता देता हूँ, इसका भी साइज काफी ज्यादा अच्छा खासा बड़ा, पर ये अपने बायोनिक स्नेक से थोड़ी सी छोटी मेरे को लग रही है। ये भी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इसकी पूंछ देखो यार इस तरह की देखने को मिल जाती है। रिमोट कंट्रोलर दिखने में बहुत ही यूनिक दिखाई देता है। यहाँ पे इसके दो जॉयस्टिक है, ऊपर की तरफ इसका स्प्रे ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच है, एक डेमो का स्विच यहाँ पे दिया गया। अभी अनबॉक्स करते हैं गोल्डन व्हेल शार्क को। आज देखेंगे बायोनिक स्नेक शार्क को हरा पाता है। आपको पता होगा शार्क जो है पानी की किंग मानी जाती है। चलो फटाफट से इसको मैंने अनबॉक्स कर दिया। यहाँ पे इसका रिमोट कंट्रोलर, इस तरह का रिमोट इसके अंदर देखने को मिलता है। शार्क के कलर में ही मैचिंग दिया गया है। इसके अंदर भी देखो मोजोसॉरस जैसी बैटरी दी गई है। यहाँ पे हमारी शार्क, ये शार्क दो अलग अलग टुकड़ों में मिलती है। ये इसकी पीछे की टेल है, ये भी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। बिल्कुल इसी तरह की मोटर्स मोजोसॉरस और बायोनिक स्नेक के अंदर भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे इसका वाटर प्रूफ एरिया है, इसके अंदर हम लोगों को लगानी पड़ती है बैटरी। तो क्लियरली आप देख सकते हो ये जो बायोनिक स्नेक है इन सभी से काफी ज्यादा लंबा और चौड़ा भी है। चलो गाइस अभी चलते हैं बाहर, कराते हैं इन सभी के बीच में फाइट, देखेंगे आज कौन जीतता है। लेट्स गो एंड फाइट। सबसे पहले बायोनिक वाटर स्नेक को टच करके देखते हैं। पानी के ऊपर मैंने इसको रख दिया है, बहुत अच्छे तरीके से पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से तैर भी रहा है। इसकी रेंज बहुत ज्यादा दी गई है, यहाँ से मैंने इसको टर्न करा लिया है। देखो यार ये बिल्कुल एक रियल स्नेक जैसा ही तैर रहा है। इसको पावर अपनी पूंछ से और मोटर से मिल रही है, इस वजह से ये बहुत ज्यादा रियल स्नेक जैसा ही मेरे को दिखाई दे रहा है। मजा आ गया इसको चला के। अभी टेस्ट करते हैं ब्लू शार्क को पानी के ऊपर। इसको भी मैंने रख दिया, ये भी बहुत अच्छे तरीके से पानी के ऊपर तैर सकती है अपनी पूंछ को लेफ्ट राइट करके। अगर आप इसको सामने से देखोगे बिल्कुल एक ये रियल शार्क जैसी दिखाई देती है क्योंकि आधी पानी के अंदर डूबती है और इसका सिर्फ ऊपर वाला फिन नजर आता है।
अभी ये टाइगर गोल्डन शार्क को टेस्ट करके देखते हैं। ये भी बिल्कुल ब्लू शार्क जैसी ही तैरती है, पर इसके अंदर एक चीज बहुत अमेजिंग मेरे को लगती है गाइस, ट्रिगर के अंदर इसका स्पीड कंट्रोल का सिस्टम दिया गया है, उसको हम जैसे ही प्रेस करते हैं तो ये इस तरह से बहुत स्पीड से भी तैर सकती है। ठीक है गाइस, अभी हम मोजोसोरस को टेस्ट करके देखते हैं। ये थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुक चुका है, ऐसा मेरे को लग रहा है। काम करते हैं, इसका स्प्रेयर सिस्टम ऑन कर देते हैं। जैसे मैंने ऑन किया है, ये अभी खुद को बैलेंस करके बिल्कुल सीधा हो चुका है। तो इसको पानी के ऊपर चला के देखते हैं। जब ये पानी पे चलता है तो बिल्कुल एक बहुत ही खतरनाक क्रोकोडाइल जैसा दिखाई देता है। अब ये डबल साइडेड फास्टेस्ट बोट को टेस्ट करते हैं। इसको मैंने पानी के ऊपर इतनी ऊपर से फेंक दिया है, बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाती है पानी के ऊपर। जब हम इसको हाई स्पीड में चलाते हैं तो देखो इसका पीछे का पार्ट ऑलमोस्ट पानी के अंदर डूब जाता है और ये बिल्कुल एक सबमरीन जैसी दिखाई देती है। अब कराते हैं रेस इन दोनों के बीच में, देखते हैं बायोनिक स्नेक जीतता है या फिर मेरी फेवरेट शार्क। दोनों के बीच में रेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। बायोनिक स्नेक बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होने के कारण ये स्पीड बहुत आसानी से गेन कर लेता है। देखो गाइस, देखते ही देखते कितनी ज्यादा आगे निकल गया है। क्लियरली वाटर स्नेक जीत चुका है। अब कराते हैं रेस इन दोनों के बीच में, देखते हैं गाइस वाटर स्नेक जीतता है या फिर शार्क जीतती है। ये वाटर स्नेक काफी लचीला होने के कारण देखो पानी के ऊपर एकदम फटाफट तरीके से तैरने लगा है और इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है यार शार्क के मुकाबले में। अब यहाँ से इसको टर्न करा लेते हैं, बहुत फटाफट तरीके से टर्न भी हो चुका है। शार्क भी हमारी टर्न हो चुकी है। दोनों के बीच में डिस्टेंस देख सकते हो कितनी ज्यादा रह गई है। क्लियरली वाटर स्नेक जीत चुका है। अब देखते हैं वाटर स्नेक मोजोसोरस को भी रेस में हरा पाता है, यानी दोनों की स्पीड उतनी ही दी गई और दोनों के अंदर सेम मोटर लगाई गई है गाइस। देखो ऑलमोस्ट दोनों बिल्कुल आसपास में ही तैर रहे थे। अब यहाँ पे वाटर स्नेक बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होने के कारण इसकी स्पीड अचानक से बढ़ जाती है और ये बहुत ज्यादा आगे भी निकल गया। यहाँ पे फटाफट से दोनों को मैं टर्न करा लेता। मोजोसोरस पहले ही टर्न हो चुका है, वाटर स्नेक जस्ट इसके थोड़ा सा ही पीछे रह गया। वाटर स्नेक की स्पीड बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट देखो यार यहाँ पे वाटर स्नेक जीत चुका है इस रेस को भी। ये वाटर स्नेक तो सच में बहुत स्पीड है यार। अब देखते हैं ये बोट को हरा पाता है, यानी बोट के अंदर से देखो यार इस तरह के बबल्स निकलने लगे हैं। बोट बहुत ज्यादा आगे निकल गई यार, यहाँ पे कुछ लहरें भी ज्यादा ही उठने लगी है। बोट एक चक्कर भी मार के वापस आ चुकी है और बोट बहुत ज्यादा आगे निकल गई है। ये वाटर स्नेक बोट के मुकाबले में बहुत ज्यादा स्लो है, क्लियरली बोट यहाँ पे जीत चुकी है। नो डाउट ये वाटर स्नेक बहुत फास्ट चल सकता है। अब देखेंगे गाइस इसके अंदर कितनी पावर है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में करते हैं टग ऑफ वॉर, देखते हैं गाइस कैसे वाटर स्नेक गोल्डन शार्क को हरा पाता है। यानी ये गोल्डन शार्क के अंदर भी स्पीड बढ़ाने का बटन दिया जाता है, तो उसको मैंने भी प्रेस कर दिया। यहाँ पे गोल्डन शार्क पूरी कोशिश कर रही है वाटर स्नेक को अपनी तरफ खींचने के लिए, पर वाटर स्नेक इससे बहुत ज्यादा भारी भरकम है। अब क्लियरली वाटर स्नेक जीत चुका है। इसकी मोटर देखो यार इतनी स्पीड से घूम रही है कि अगर इसके बीच में मैं कुछ डाल दूं ना तो ये दो टुकड़े करके रख देगी। अब इन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर कराते हैं गाइस, देखते हैं इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। दोनों के बीच में एक रस्सी मैंने बांध दी है, देखते हैं ये ब्लू व्हेल शार्क वाटर स्नेक को इस बार हरा पाती है। यानी ऑलमोस्ट वाटर स्नेक यहाँ पे पानी के ऊपर थोड़ा सा टिल्ट हो चुका है क्योंकि ब्लू व्हेल शार्क इसको पूरी पावर लगाकर खींच रही है। पर देखो यार अब धीरे धीरे करके ये वाटर स्नेक शार्क को भी अपनी तरफ खींचने लगा है। इसकी भी मोटर देख सकते हो कितनी स्पीड से घूम रही है, फिर भी ये शार्क हार चुकी है इसके सामने। इस बार तो कोफोर कराएंगे मोजोसोरस वर्सेस वाटर स्नेक के बीच में, देख देंगे जिन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा है गाइस, ये मोजोसोरस बहुत ज्यादा पावरफुल है। देखो गाइस धीरे धीरे करके ये वाटर स्नेक को अपनी तरफ खींच लेके जा रहा है। मेरे को लगा था कि वाटर स्नेक वापस से यहाँ पे जीत जाएगा, पर यहाँ पे सीन पूरा का पूरा उल्टा हो चुका है। क्लियरली मोजोसोरस यहाँ पे जीत चुका है टग ऑफ वॉर में। ये मोजोसोरस इतनी पावरफुल आरसी बोट को भी हरा पाता है, यानी टग ऑफ वॉर में इसका वाटर स्प्रेयर मैंने ऑन कर दिया है। यहाँ पे बोट पूरी कोशिश कर रही है मोजोसोरस को अपनी तरफ खींचने के लिए और बोट धीरे धीरे करके इसको खींच के भी लेके जा रही है। क्लियरली ये मोजोसोरस बोट के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहा है। यहाँ पर आरसी बोट जीत चुकी है टग ऑफ वॉर में और ये सबसे ज्यादा पावरफुल भी है। ये जितनी भी पानी के ऊपर चलने वाली आरसीज होती है इनके अंदर सेल्फ राइटनिंग फीचर होना चाहिए गाइस। आप देख सकते हो इन तीनों को मैंने पानी के ऊपर पलट के रख दिया था, तो यहाँ पे क्लियरली वाटर स्नेक और अपना मोजोसोरस जो है पानी के ऊपर सीधे हो चुके हैं और ये गोल्डन शार्क बिल्कुल भी सीधी नहीं हो पा रही है। अगर ये पानी के ऊपर लहरों में फंसकर पलट जाती है तो गाइस इसको हम लोग बिल्कुल भी वापस नहीं लेके आ सकते हैं। अब यहाँ पे वेट पुल टेस्ट कराते हैं गाइस। पहले तो मैंने एक बोतल के साथ टेस्ट किया था, ये बहुत अच्छे तरीके से वेट को खींच रही थी। अब देखो यार यहाँ पे दो दो बोतल्स मैंने अटैच कर दिया, देखते हैं ये ब्लू शार्क इतना ज्यादा वेट खींच के लेके जा पाती है। यानी इसकी मोटर तो घूम रही है पर ये बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रही है गाइस। यहाँ पे वेट कुछ ज्यादा ही होगा यार। एक काम करते हैं अभी मोजोसोरस के साथ सेम टेस्ट करके देखते हैं। मोजोसोरस पहले तो एक तरफ टिल्ट हो चुका था, अब देखो यार ये प्रॉपर तरीके से इतना वेट खींच के लेके जा रहा है यार, पर इसकी स्पीड बहुत
ज्यादा कम हो चुकी है। अब देखते हैं सेम टेस्ट वाटर स्नेक के साथ करके। इन बॉटल्स के अंदर मैंने पानी भी डाल दिया है गाइस। देखो वाटर स्नेक इतना ज्यादा वेट लेके जा रहा है यार, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा है। अगर इसके पीछे मैं और दो चार बॉटल्स भी अटैच कर दूं ना तो भी ये लेके जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये पांचों में से कौन सी चीज अच्छी लगी। चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम है दिव्यांश, राजेश, नील, नितिन, कौशिक, सुपामा, हरदीप, सक्षम, किट्टू सिंह, डीपी पाठक। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।